Hey guys, welcome back to Murad and Run. I have my friend Arbaz with me. So he was, I first of all met him in Jamia and now he's a GK scholar. So ab, first of all, introduce yourself, Arbaz. So hi everyone, I'm Arbaz and I'm a friend of Murad, as he already said. And I'm currently a GK scholar. I'm studying in South Korea in Busan National University, Busan. And I went there in 2021 and yeah, so I still have like 1 year left. I was here for my vacation, and over to Murad now. पहले ये बताओ कि benefits क्या क्या मिले, मतलब total क्या 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 benefit. The thing is, best part is scholarship का है कि there are lot of benefits कि तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, basically कुछ नहीं कुछ करना भी नहीं कुछ करना. भी नहीं करना है तुम्हारे को. From right from the start, application is also free. Okay. MHRD के ऑफिस में सबमिट करनी है एप्लीकेशन, which is also free. And the only expense is like भेजने का खर्चा, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, that's it. उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद फिर they cover your AFA for coming. आना जाना. आना, and when you will finish your course, वो वापस वापस जाना. ठीक. तो वो एक चीज हो गई. उसके बाद फिर जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो first they provide you 200,000 Korean won. वो कितना होता है INR? INR में 13,000 something. 13,000 rupees वहाँ पहुँच के. वहाँ that is settlement allowance. अच्छा ठीक. वो first time one time देते हो, and उसके बाद फिर वो per month देंगे 1 million won, which is around 60,000 INR. 60,000 INR ठीक. For living allowance. तो ये per month मिलता रहेगा. अब in general इतना सब मिलता है, you get 60,000. Total जेब से कितना खर्चा होता है? अपना रहने का. रहने का तो वो देखा जाए तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी. मैं जैसे बुसान में रह रहा हूँ, विच इज़ लाइक सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ कोरिया आफ्टर सोल. आफ्टर सोल ऑफ कोर्स, बट सोल और बुसान में ही बहुत डिफरेंस है. इट्स लाइक जैसे एक नोएडा या दिल्ली में फ़र्क. हाँ ठीक ठीक ठीक. तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क है. तो जैसे मैं अभी रह रहा हूँ तो आई एम लिविंग इन वन रूम. खुद का एक छोटा सा घर, लाइक रूम टाइप हाउस है. ओके. उसका जो है रेंट, इट इज 250,000 won. यू गेट 1 million एंड रेंट 250,000 won चला गया उसमें. तो 750,000 बचा. हाँ, पर उसमें एक्स्ट्रा जो है यूटिलिटीज, वो 20-30,000 won आ जाती है. ठीक. वो हटाओ. उसके बाद फिर ये तो हो गया उसका. फिर अपना खाना पीने का, आई थिंक 200,000 won खाने पीने वगैरह का. फिर going out तकरीबन 5 लाख won बच गए. 5 से 6 लाख won, I would say. बच जाते हैं? नहीं नहीं, चला जाता है. चला जाता है. चला. हाँ, 60% मोटा मोटा हिसाब आप समझ लो, 60% goes on expenses. ठीक. And 40% or 30% can be saved while studying. हाँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं किस हिसाब से खर्च. So you save around 30%. Around 30%. Of the 1 million that you get. Yeah, but sometimes वो. तो मतलब around 18,000 हर महीने you're saving. कह सकते हैं. Okay, that's nice. That's nice. Good, but मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑब्वियसली चॉइसेस. मैं ज़्यादा शॉपिंग, मैं स्मार्ट शॉपिंग करता हूँ ना ही, लाइक यू नो, कभी कभी होता है इंसान गया ब्रांड देखे एंड ही बॉट. तो अगर शॉपिंग करे तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, मतलब जितना भी पैसा मिले उतना कम है. अगर तुम सोल में हो तो 400 to 500,000 तो तुम रेंट ही पे कर रहे हो गया, क्योंकि सोल में बचना पैसा मुश्किल मुश्किल है. अच्छा, वहाँ पे हर चीज महंगी. सो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मुराद, बट थोड़ा पुराना है तो मैं जितना याद आएगा उतना बताऊंगा. ठीक ठीक ठीक. बाकी जो भी व्यूअर्स है वो उसमें जाके देख सकते हैं, सारी एक एक चीज होती है उसमें. बट अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जितना जितना याद आता है. हाँ, मैं बताता हूँ. मैंने एप्लीकेशन भरी थी, जो उसका फॉर्म होता है MHRD वगैरह का, उसके साथ फिर एक ऑफलाइन फॉर्म. ऑफलाइन फॉर्म था और एक उनका होता है साक्षात ऑनलाइन पोर्टल. ठीक. वो MHRD का पोर्टल है. ठीक. वो भी ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भरनी होती है, फिर उसमें वही अपनी स्टेटमेंट वगैरह देनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह सब थिंग. साथ में तुम्हारी 10th की 12th की लगती है मार्कशीट. ऑब्वियसली ग्रेजुएट डिग्री नहीं थी मेरे पास उस टाइम, वो थोड़ा लोच हो गया था, मैं अभी समझाऊंगा. और क्या था, तुम्हारे कुछ सर्टिफिकेट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा अगर तुम्हारे को देना है. अगर तुम्हारे पे IELTS लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो डालोगे,
कोरियन प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है वो डालोगे, कोरियन लैंग्वेज से या कल्चर से रिलेटेड कुछ करा है तो वो अपना दिखाने के लिए ऑब्वियसली तुम मेंशन करके वो भी डालोगे। ठीक, तो मेरे टाइम पे मेरे पास कोरियन लैंग्वेज का नहीं था, IELTS में देने वाला था पर दे नहीं पाया था, तो मेरे पे दोनों चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे, बट आई वॉज लाइक कि देने में क्या हर्ज है। तो फ्री की एप्लीकेशन भर दी, फ्री की एप्लीकेशन है एंड मेरा लास्ट मेरे को मन था ही ऑब्वियसली, एंड आई न्यू समवन, मेरी एक दोस्त थी जिसकी दीदी जो ऑलरेडी जा चुकी थी GK स्कॉलर, हाँ, तो मेरे दिमाग में था ये बात कि ऐसे ऐसे है एंड मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ, तो वो ट्राई करा लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर चल रहा था मेरा ग्रेजुएशन का, तो वो उन्होंने फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट करा, फिर इंटरव्यू हुआ उसका। इंटरव्यू का जो सीन था उस टाइम तक लॉकडाउन लग चुका था, इंटरव्यू यूजली जो होता है वो जाके इन पर्सन होता है, तो वहाँ पे पैनल साउथ कोरियन एम्बेसी एम्बेसी में होता है या एमएचआरडी ऑफिस में होता है मेरे ख्याल से। ओके, तो वहाँ पे जो बैठे होते हैं 2-3 एम्बेसी से ही होते हैं, कोरियन साउथ कोरियन एम्बेसी से एंड एक MHRD का ऑफिशियल होता है, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, बट हमारे टाइम पे इट वॉज लाइक ओनली 5 मिनट्स ऑनलाइन हर एक के स्लॉट्स थे, और मेरे से ज़्यादा उन्होंने बेसिक सवाल पूछे। मैंने जैसे एक था क्या कहते हैं अबाउट, एक तो मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ रिलेटेड टू माय टॉपिक जो मैंने अपना सब्जेक्ट का डाला था वो उन्होंने पूछा ये वो। जैसे क्या टॉपिक डाला था कुछ याद है? मैंने अपने जो कोर्स मैं करूँगा, ओके, मेरा था कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल स्टडीज, ओके, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो इट्स कॉल्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, तो उसके रिगार्डिंग एक चीज़ पूछी थी उन्होंने कि शायद मेरे को याद नहीं बैचलर से रिलेटेड किस तरीके से रिलेटेड है, या स्विच मार रहे हो तुम दूसरी फील्ड में काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, क्यों या फिर मैं का इंटरेस्ट है मेरा समथिंग लाइक दिस। दूसरा उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे इंटरव्यू में? हाँ वो पूछेंगे। ओके, मेरा ज़्यादा टेक्निकल नहीं था यू नो, बट अगर कोई इंजीनियरिंग या साइंस का है तो वो भी क्वेश्चन ही कैन एक्सपेक्ट किया आ सकते हैं, ठीक, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड नॉलेज वगैरह चेक कर सकते हैं वो, आई डोंट नो, बट मेरे साथ उन्होंने इतना उसमें नहीं कहा, मेरे साथ उन्होंने क्योंकि मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट्स का था, तो इट वॉज लाइक दे वॉन्टेड टू गेट द कि ये कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके अंदर वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है, ये 5 मिनट का इंटरव्यू। तो एक सवाल जो मेरे साथ स्टिक करा एक वो था अबाउट कोरियन लैंग्वेज के, हाउ वुड यू एडजस्ट इन दैट, कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं थी, हाँ, तुम्हारे पास कोई लैंग्वेज एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू ड्वेल इन द सोसाइटी एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला आई मीन दैट्स एन एडवेंचर, इट वुड बी अ चैलेंज फॉर मी बट आई लाइक चैलेंजेस, एंड हाँ मैंने एक चीज़ बोली थी कि मेरे पे कोई कोरियन एक्सपीरियंस नहीं है बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फ्रेंच। अच्छा, मैंने 2 साल जामिया में सर्टिफिकेट प्रोग्राम करा था, 1 साल का सर्टिफिकेट 1 साल का डिप्लोमा, तो 2 साल मैंने फ्रेंच जॉब में भूल चुका हूँ, बट रही बात उस टाइम आई वॉज कि आई नो हाउ टू अप्रोच अ लैंग्वेज, हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज, यू कैन लर्न इट नाउ, हाँ, सो आई नो हाउ अ फॉरन लैंग्वेज इज टू बी लर्न एंड आई एम ओपन माइंडेड, आई कैन लर्न फॉरन कल्चर्स एंड इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न अ कल्चर थ्रू इस लैंग्वेज, तो ही लाइक दैट। एंड ये मैम ने पूछा था, साउथ कोरियन मैम जो थी, एक जो हमारा MHRD का ऑफिशियल था इंडियन, उसने पूछा था कि हाँ हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू इंडिया एज वेल, ओह नाइस क्वेश्चन, कि तुम वहाँ जाके, तो मैंने बोला कि दोनों ही चीज़ें हैं, अगर मैं वहाँ जाके अपना ग्रेजुएशन के बाद जॉब वगैरह मिल जाती है मैं काम करता हूँ तब भी, बिकॉज आई हैव माई डिपेंडेंट फैमिली हेयर, तो मैं अपनी जो है सारी सैलरी का कुछ पार्ट भेजूंगा ही, एंड दैट कैन कम इन फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अगेन रेमिटेंस, इट इज ऑल्सो बेनिफिट टू कंट्री, एंड सेकेंडली अगर मैं वहाँ से पढ़ के वापस आता हूँ तो ऑब्वियसली मैं जॉब इंडिया में करूँगा, तब भी टैक्स यहीं पे दूंगा, तो बेनिफिट टू द सोसाइटी एज़ वेल, दैट वाज़ इट। ये MHRD के बंदे ने पूछा? आई थिंक हाँ ये उसने पूछा था। एंड ठीक है, इंटरव्यू के बाद क्या हुआ? इंटरव्यू में बस इट वॉज लाइक गया 5 मिनट का हुआ, एंड देन आफ्टर, मतलब इस इंटरव्यू के बाद मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मुझे मिल जाएगी स्कॉलरशिप? नहीं, सेम, आई वाज नॉट, बिकॉज मैं कम्पीट कर रहा था लोगों से जो कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के थे, हाँ, एंड मेरे पे नहीं था एक्सपीरियंस, ना लैंग्वेज थी, ना लैंग्वेज थी, ना सर्टिफिकेट था, ना एक्सपीरियंस था, बट आई थिंक दे मेन थिंग इज आउटलुक, ठीक, तुम कितना कॉन्फिडेंस रेडिएट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, बिकॉज आई थिंक ये चीज़ मेरे भाई ने कही थी जो कि मुझे शायद
बाद में थोड़ी समझ में आई कि कभी कभी क्या होता है, पूरा सीखा हुआ बंदे से बेटर वो चाहते हैं जो नहीं सीखा हुआ वो आए, बिकॉज ही वुड वैल्यू दैट और ही वुड बी एक्साइटेड टू लर्न दैट. जो सीखा हुआ होगा ही वुड बी लाइक या इट्स नॉर्मल या व्हाटएवर, लाइक उसके लिए कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं होगी. तो मे बी वन ऑफ दैट रीजंस और समथिंग दे लाइक माय व्हाटएवर थिंग एंड दैट वाज इट. और भी कुछ लोग साथ में सिलेक्ट हुए थे एंड आफ्टर दैट ये राउंड होने के बाद यू आर नियरली देयर. बट उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो साउथ कोरिया जाती है. और हाँ, एप्लीकेशंस जब हम भरते हैं तो उसकी 3 copies देनी होती है. ठीक. हर एक पूरी एप्लीकेशन का सेट अलॉन्ग विद आवर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग कॉपीज वो जाता है हर एक 3 university को. सो वी हैव टू चूज 3 universities. बुसान. हाँ, मैंने जो चूज करी थी तो उनका ऐसा है Tier 1 and Tier 2. Okay. Universities. Tier 1 I think are the best or something like this. और उसमें से मैंने, हाँ ये बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई ना करे. गलती ये करी कि जब मैं चूज कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटीज तो मैंने सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज चूज की. एग्जैक्टली, मैंने चूज करा, आई जस्ट वेंट लाइक टॉप 10 universities ऑफ कोरिया और 1, 2, 3 सिलेक्ट करके आ गए. 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 3 नहीं कर सकता था क्योंकि एक यूनिवर्सिटी वाज मैंडेटरी टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम टायर 2. ओके, ठीक है, परफेक्ट. जो टॉप 3 थी वो सारी टायर 2 की बेस्ट वाली सिलेक्ट की. हां, तक रणजीत जी, थैंक यू. भूख लग रही है अब तो. टायर 2 की बेस्ट सिलेक्ट की. टायर 2 की जो बेस्ट थी वो बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी. अच्छा. और टायर 1 की जो बेस्ट थी वो उनका वो चलता है स्काई. ओके. साउथ Sky is like Seoul National University, Korea University and Yonsei. So Sky. तो पहले दो में S और K में apply किया. मैंने कर दिया S में और Yonsei में क्योंकि मुझे Yonsei बहुत पसंद था. अच्छा. गलती कर दी. क्योंकि दोनों से revert नहीं आया. हाँ, क्योंकि दोनों से revert नहीं आया because understandable है because my application was good but not the one that they were looking for. क्योंकि उनके standards अलग हैं. Obviously. And they are looking with someone, उन्हें चाहिए थी. Indians, sorry to say, हम बाहर लोगों के लिए natives नहीं हैं. चाहे हमें कितनी भी अच्छी English आती हो, तो उन्हें चाहिए था कि English का आना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए इसके पास certificate या कुछ. तो अगर IELTS certificate होता तो? Might have been a chance. अच्छा. Because उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पे certificate है. मैंने कहा नहीं. तुमने कहा, उन्होंने पूछा तुम्हारे पास वो है क्या, तुमने ग्रेजुएशन इंग्लिश में ही करी है, ऐसा प्रूफ ला के दो. वो तो करी थी. एग्जैक्टली. बट मैं उसका प्रूफ हासिल ला के दूँ सब्जेक्ट्स देख के, या वो कह रहे कि वी नीड अ प्रूफ फ्रॉम द कंट्रोलर और योर HOT और समवन दैट कैन गारंटी से लाइक ऑल ऑफ द टीचिंग्स हैव बीन गिवन इन इंग्लिश एंड समथिंग लाइक दिस. समथिंग कुछ होने चाहिए. और उसका कोई प्रूफ नहीं. और उस टाइम लॉकडाउन था एंड आई ट्राइड माई बेस्ट. मैंने एक ईमेल करवाया अपने HOT से. एंड ईमेल्स आर नेवर ऑफिशियल. हाँ. उन्हें चाहिए था समथिंग स्टैम्प एंड एवरीथिंग. COE से बात करी थी जामिया में, नहीं हुआ कुछ. वो नहीं दे सकते, कहते वी डोंट प्रोवाइड दिस थिंग. एंड मैं कहा ठीक है. तो Yonsei को जो दे सकता था दिया एंड उन्होंने नहीं बोला. सोल का तो कुछ आया ही नहीं. लाइक क्या होता है, जब यूनिवर्सिटीज़ के पास जाती है एप्लीकेशन तो वो तुम्हारा भी फिर इंटरव्यू लेते हैं. अच्छा. अब यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है एडमिशन के लिए. वो तुम्हारा इंटरव्यू लेती है. एक भी हो सकता है, दो इंटरव्यू भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड योर डिपार्टमेंट. मेरे नहीं लिया. एंड सोल ने तो कुछ बात, कोई ईमेल नहीं करा, सीधा रिजल्ट वाले दिन ईमेल करा कि नहीं हुआ है. Yonsei का पहले आ गया था. फिर Yonsei के एक हफ्ते, रिजल्ट के आने से एक हफ्ते पहले ही उनका आ गया था कि यू आर नॉट सेलेक्टेड. एक ही बचा था पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी और जिसका आया नहीं था. एंड 1:30 बज गए थे दोपहर के एंड आई वॉज लाइक नहीं आ रहा है इसका भी. बट एट द लास्ट मोमेंट उनका एक्सेप्टेंस आ गया. तो आई वॉज लाइक ओके फाइनली उसका यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस है. सो स्कॉलरशिप तो हो ही गई एक्सेप्टेड. नाउ यूनिवर्सिटी हैज एक्सेप्टेड तो यू कैन गो इन. और इसका भी दो वो है जाने के. एक तो ये बता रहा हूँ, ये एम्बेसी ट्रैक है. एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक. अच्छा. यूनिवर्सिटी एम्बेसी ट्रैक का फायदा ये है कि यू आर गिविंग, जैसे मैंने बताया, तीन तुम्हारे पे चांसेस है. एक ने नहीं करा, दो कर सकता है, दूसरे नहीं कि तीसरा कर सकता है. यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या है, यू अप्रोच द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली. अभी स्कॉलरशिप नहीं ली, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अप्लाई किया. तुम डायरेक्टली उसको अप्रोच कर रहे हो या प्रोफेसर को, एक डिपार्टमेंट को, जो भी है, वहां से तुम
एक्सेप्टेड मतलब काइंड ऑफ हो ही रहे हो कि दे आर लाइक हाँ फिर तुम जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो उसका मुझे एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं पता। बट ये तो मुश्किल लग रहा है ज़्यादा, इसका मुश्किल है बट चांस द थिंग इज कि एक बार सिलेक्ट हो गए तो यू आर जस्ट गोइंग इन, इनका एक राउंड कट जाता है, जो हमारा एक राउंड होता है ना इससे पहले है कि इंटरव्यू वगैरह वो कट जाएगा। हाँ ठीक, ये चीज़ इनकी बेनिफिट है। एम्बेसी ट्रैक में तुम्हारे को ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं बट तुम्हारे को एक राउंड और जाना ज़्यादा पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में जस्ट दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, के लिए करना होता। अगर मैं पर्सनली यहाँ से एम्बेसी ट्रैक कर रहा हूँ यूज़, दूसरे तो से उसके बाद आप नहीं जा पाओगे ना, क्योंकि सेम टाइम पे एप्लीकेशन जाती है ना। अगर मेरा एम्बेसी ट्रैक एक्सेप्ट हो गया तो मैं एम्बेसी ट्रैक लूँगा, नहीं हुआ तो मैं वो लूँगा। ऐसे ड्यूअल नहीं कर सकते ना, कैसे एक ही स्कॉलरशिप की तुम दो एप्लीकेशन कैसे दोगे, उनके ट्रैक्स हैं, या तो इधर चूज दिस इधर चूज दैट। अगर फिर से करना होता एम्बेसी ट्रैक ही बेटर रहेगा, फिर से करना हो मतलब इफ यू हैड टू डू इट अगेन अप्लाई अगेन तो एम्बेसी ट्रैक ही बेटर रहेगा मेरे लिए। आई थिंक एम्बेसी ट्रैक वुड बी अ बेटर ऑप्शन बिकॉज यू गेट मोर चांस, मोर यूनिवर्सिटी स्टफ, मोर यूनिवर्सिटी, तुम उसके ऊपर थोड़े सर्च कर सकते हो कि कौन सी। बट यूनिवर्सिटी ट्रैक इज ऑल्सो लाइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द प्रोफेसर और द यूनिवर्सिटी, गेट सेलेक्टेड एंड देन अप्लाई विद फॉर द चांसेस हैं, मिल जाते हैं, हुए भी है मेरे दो, कोई था याद नहीं मुझे बट ही गॉट थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक। पहले खाना खाते ठंडा हो जाएगा। अरे सो हम लोग लंच कर रहे थे एंड एक इम्पोर्टेंट बात आई, स्कॉलरशिप कैंसिल कैसे हो जाती है, फोर फीट कैसे हो जाती है। बहुत से रीजंस है उसके, पहला जो तुम्हारा खुद का एकेडमिकली कम हो सकता है वो है जब, क्योंकि स्कॉलरशिप में फर्स्ट ईयर इज लैंग्वेज प्रोग्राम, तो कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम के एंड से एक या दो महीने पहले एक टॉपिक टेस्ट होता है जो लैंग्वेज टेस्ट है, इज लाइक टॉप टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। तो वो जब होता है तो तुम्हारा उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यू हैव टू गेट 3 लेवल, 3rd level, ठीक, और फिर उसके बाद इफ़ यू हैव अचीव तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी जा सकते हो, अपना मास्टर्स या PhD स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर वो यू हैव फेल्ड टू अचीव द 3rd level तो तुम्हारे चांसेस है तुम फोरफिट कर लो, बट एक पैराशूट, एक ब्लैंकेट है कि अगर तुमने अपने टेस्ट में 84 स्कोर से अबव मार्क्स अगर करा है तो तुम्हारे को फिर 6 months का एक्सटेंशन मिल सकता है ऑन द 300, अगर 84 यू स्कोर 84 अबव तो तुम्हारे को जो है एक्सटेंशन मिल सकता है 6 months का, ठीक। वो तुम्हारे को NID या उनसे बात करके यू कैन गेट, बट उसमें जो है वो हाफ पे करते हैं और हाफ जो फीस है लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन की वो तुम करोगे, ऐसा कुछ है। बट इफ यू स्कोर मोर देन 120 फॉर 3rd level यू आर सेफ। उसके बाद टॉपिक का किस्सा खत्म हो सकता है अगर, बट अगर तुम्हारे को वो एक्स्ट्रा 100,000 won 1 lakh won चाहिए तो तुम आगे थोड़ी और मेहनत कर सकते हो अपने स्टार्ट करने के बाद, एंड यू कैन गेट लाइक टॉपिक 5 और टॉपिक 6। तो तुम्हारा जब कोई न्यूली टॉपिक 5 या टॉपिक 6 अचीव करेगा, ये नहीं कि पहले से ही हो, जब तुमने अचीव करा तो तुम्हारे के उस अगले महीने से तुम्हारे को स्कॉलरशिप इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब टू ब्रेक इट डाउन, जो मैं सही से समझा, तुम साउथ कोरिया आओगे, पहले साल तुम साउथ कोरियन ही पढ़ोगे, हाँ, तो उसमें यू विल गिव एन एग्जाम, इफ यू एंड अप क्लियरिंग दैट एग्जाम स्कोरिंग मोर देन 120 व्हिच इज लेवल 3, तो यू आर डन। अब साउथ कोरियन लैंग्वेज तुमने सीख ली, अब तुम अपना मास्टर्स नॉर्मली जैसे इंडिया में करते हो करो, एंड तुम्हें 1 lakh won हर महीने मिलते रहेंगे, वो तब मिलेंगे अगर तुमने 5 या 6 सॉरी 10 lakh won मिलते रहेंगे, 10 lakh won तो मिलेंगे, 1 million won मिलते रहेंगे। अब अगर तुमने लेवल 3 नहीं किया और तुम्हारा 84 तक स्कोर आता है तो दे विल गिव यू 6 months का टाइम एंड वैसे सब रहेगा, बट यू आर ऑन थिन लाइन, या एंड अगर उससे भी कम आया तो तुम्हारे नहीं मिलेगा, वापस चले जाओगे, हाँ, तुम फॉरफिट कर दोगे। एंड अगर अब तुमने 3rd level ले आए हो एंड उसके बाद फिर मर्जी हुई, मन हुआ, फिर से एक और एग्जाम दे दिया एंड फिर से ट्राई किया एंड लेवल 5 या 6 आता है, तो 1.1 million won हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, हाँ, ये है। तो इट इज लाइक encouraging the students to go for a higher level. इसमें बुरी चीजें क्या क्या है scholarship में जो मुझे पता नहीं है? Bad चीजें जो हैं, which is like कि they just want you to stay with whatever they are giving and do the studies
एंड कुछ लोगों को मिलती है, जैसे अगर तुम साइंस साइड से हो तो तुम प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो उनकी लैब में. अब मेरी तो वो फील्ड नहीं है, बट मेरे जो दोस्त हैं दे वर्क फॉर देयर प्रोफेसर्स एंड दे गेट एडिशनल फ्रॉम देयर प्रोफेसर्स या उनकी यूनिवर्सिटी से फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग इन द लैब और व्हाटएवर इन एडिशन ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट. बट आई डोंट गेट इट. और मुझे अगर चाहिए तो या तो मैं पार्ट टाइम करूँ या कुछ करूँ, उसकी है मतलब अलाउड है बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस, इतने आवर्स या इतना दिस समथिंग लाइक दिस एंड देन यू हैव टू टेक परमिशन. सेम गोज फॉर इंटर्नशिप बिकॉज इट कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट अगर पेड है तो वो भी तुम सिर्फ तभी कर सकते हो पेड अगर वेकेशंस हैं, जो कि दो महीने की होती है वेकेशंस, तो तब कर सकते हो. लेकिन अगर सेमेस्टर में एक्सटेंड हो रही है कितना ही कर लोगे. हाँ एग्जैक्टली, दो महीने में आजकल इंटर्नशिप्स भी तीन से स्टार्ट हो रही है, तीन महीने से. तो सेमेस्टर में अगर जा रही है तो यू कैन नॉट, यू हैव टू डू इट लाइक या तो फ्री हो या कुछ ऐसी हो. एंड हमने ट्रैवलिंग की बात की थी एक बार फिर से, सो हाउ मेनी डेज कैन यू ट्रैवल. हाँ या अगर हम जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हुआ हूँ वेकेशंस में, यू कैन गो आउट ऑफ द कंट्री, टेम्प्ररी डिपार्चर जिसे कहते हैं, तुम वो कर सकते हो लेस देन 30 डेज. अगर तुम ये जाके वापस आ जाते हो इन लेस देन 30 डेज, तो तुम्हारे को उस महीने की जिस महीने तुम जा रहे हो 30 डेज जो महीना है उसमें पूरी स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा 1 मिलियन अलाउंस का. लेकिन अगर तुम 30 डेज से अबव करते हो तो वो महीने का स्कॉलरशिप अमाउंट चले जाएगा, और जितने दिन अबव होंगे 30 से वो अगले महीने की स्कॉलरशिप से कट हो जाएंगे. सो लेट्स सपोज आप 40 डेज के लिए जा रहे हो तो इस महीने का कुछ नहीं मिलेगा पैसा. हाँ, अगले महीने का 10 दिन का पैसा कट कर रहेगा, फिर 20 का ही मिलेगा. अच्छा ठीक है. एंड इफ यू गोइंग फॉर लेस देन 1 मंथ, इफ यू गोइंग लेस देन 1 तो आपको उसका पूरा मिलेगा, इस महीने का भी अगले महीने का भी. सो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. या द 25 डेज यू 26 और 27 डेज व्हाटएवर लेस देन 30. ठीक, लेस देन 30 डेज हो तो आई डोंट नो, ऐसा होता है पॉसिबल कि नहीं 27 डेज रहकर आया वापस साउथ कोरिया है, 3 दिन में वापस इंडिया. नहीं नहीं नहीं, बट वो भी तो देखेंगे कि टेम्परेरी डिपार्चर कब कब हो रहा है. हाँ, वो भी उनके ऊपर. मैं ज़्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहा हूँ. और बाकी ये चीज़ें हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक होता है GKS कोऑर्डिनेटर. ओके, वो तुम्हारे को टाइमली जो मैं बता रहा हूँ ये तो आफ्टर स्कॉलरशिप की चीज़ें हैं कि जाना कैसे आना कैसे वट एवर दिस सिचुएशन, वो टाइमली आपको मेल करती रहेगी, करता रहेगा या करती रहेगी मैम जो भी होती है वो, अबाउट रेगुलर अपडेट्स, कब तुम्हारी स्कॉलरशिप आनी है, कब तुम्हारा ये आना है, तो वो तुम्हारे को बताता रहता है. तो देर इज़ ऑलवेज अ कोऑर्डिनेटर. जब तुम लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन जाओगे तब भी एक कोऑर्डिनेटर होगा, GKS कोऑर्डिनेटर. जब तुम अपनी मेन यूनिवर्सिटी जाओगे तब भी एक GKS कोऑर्डिनेटर होता है ऑफिस के अंदर, दैट कोऑर्डिनेट्स विद GKS स्टूडेंट्स मेल के. अब व्हाई डू यू थिंक दे हैव दिस स्कॉलरशिप, मतलब ये है ही क्यों ऐसी चीज. स्कॉलरशिप एज वी नो कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं. वन ऑफ द रीजंस दैट आई थिंक कोरिया इज डूइंग इज कि उनको थोड़ा फर्स्टली दे आर स्मॉल कंट्री बट उनका कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं. तो दिस इज़ अ वे कि तुम यूथ को बुला के जो है थोड़ा दे यू कैन एक्सपोर्ट योर कल्चर, यू कैन मेक देम लर्न योर कल्चर, लर्न द लैंग्वेज ईजिली तुम याद. क्योंकि इंसान, अब मुझे कोई बोलता कि तू जाके कोरियन सीख, नहीं सीख, आई वुडंट हैव, क्यों करूँगा मैं. कोई, मैं तो फ्रेंच सीख रहा था, फ्रेंच में मेरे को ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट दिख रहा था, बट दे गेव मी मनी. 2 साल की पढ़ाई तो है ही, बट 1 साल भी स्कॉलरशिप पूरी दे रहे हैं, पर मंथ दे रहे हैं सिर्फ कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए, तो हम क्यों नहीं सीखेंगे. और 3 लेवल भी लेके आएंगे क्योंकि हमें आगे मास्टर्स भी करनी है. तो हम लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, उनके कल्चर में एक्लिमेटिव भी हो जाएंगे. और दूसरा मैं जो रीज़न सोचता हूँ कि बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, उन्हें भी चाहिए स्किल्ड पर्संस. तो दीस विल बी दोस पीपल जो उनकी लैंग्वेज भी समझते हैं, उनका पूरा कल्चर भी समझते हैं. हम क्यों बाहर जाएं दूसरों को ढूंढने, दूसरों को ही बुला लेते हैं, वो लैंग्वेज भी सीख लेंगे, पढ़ भी लेंगे, काम भी कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है. तो आई थिंक ये रीजंस भी है, वन ऑफ द रीजंस.